पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया। इस घोषणा पत्र के जरिए पीएम मोदी की गारंटियां बताई गई हैं। इस संकल्प पत्र में कई महत्वपूर्ण वादे भी जनता से किए गए, जैसे 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना का जिक्र है, जिसमें 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की बात कही गई। इसके साथ ही देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात भी कही गई है। गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज की भी बात कही गई है। 3 करोड़ पक्के घरों का वादा भी संकल्प पत्र में किया गया। बीजेपी के इस घोषणा पत्र में मुद्रा योजना में लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का वादा भी हुआ है। फसलों पर MSP बढ़ाने का वादा भी किया गया और भारत में 3 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने की बात कही गई। इसके साथ ही पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून बनाने का भी जिक्र है। बीजेपी के घोषणा पत्र में घरों तक पाइप के जरिए कुकिंग गैस पहुंचाने का वादा भी किया गया। इसके अलावा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देकर फ्री बिजली देने की बात भी कही गई। महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट बनाने की बात कही गई है। महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर और एनीमिया से लड़ने के लिए अभियान चलाने का भी जिक्र हुआ। इसके अलावा बीजेपी के घोषणा पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र है। हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने की बात कही गई। भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने